वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ नायका के परफ्यूम मताओं का, एंड दिस इज द ड्यूप ऑफ मार्क जेकब्स डेजी। पहले आपको मताओं की पैकेजिंग दिखा देती हूँ। ऐसे है मताओं की पैकेजिंग, एंड अंदर से बॉटल ऐसे है, बहुत सुंदर ग्लास बॉटल है, क्लियर ग्लास बॉटल एंड गोल्डन कैप है, एंड स्प्रे है, रोल ऑन नहीं है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मताओं जो है ये डेजी का ड्यूप है। मताओं मेरे पास बहुत टाइम से था, बट मुझे कमेंट्स में मेरे 4-5 अलग अलग सब्सक्राइबर्स ने अलग अलग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताया, तो मुझे लगा कि यस, ये उसका ड्यूप हो सकता है बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो फिर मैंने एक इंस्टा स्टोर से उसका डीकेंट खरीदा था, लाइक 2 ml मैंने अरेंज किया था बिकॉज मैं बहुत सारे परफ्यूम वीडियोज बनाती हूँ, तो काफी सारे इंस्टा स्टोर्स को जानती हूँ। तो वहां से मैंने एक 2 ml का परफ्यूम अरेंज किया, तो मैंने ट्राई किया, तो मुझे पता चला यस, ये मार्क जेकब्स डेजी का ड्यूप है। मैं डेजी और मताओं दोनों का ही लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ इन केस आपको डेजी में इंटरेस्ट हो, आपको ब्रांड नेम के लिए, पैकेजिंग के लिए ही चाहिए, आपका बजट है, तो आपको खरीद सकते हो। और इफ यू आर समवन जो बहुत टाइम से डेजी खरीदने का सोच रहे थे बट बजट की वजह से नहीं खरीद पा रहे थे या फॉर व्हाटएवर रीजन, और आप उसका एक अच्छा ड्यूप ढूंढ रहे थे, तो आप मताओं परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक दे दूंगी। सो अब स्टार्ट करते हैं मताओं का रिव्यू। एंड मेरी फ्रेंच उतनी अच्छी नहीं है, नायका ने अपने सब परफ्यूम का नेम फ्रेंच में लिखा है, एंड जितना भी मेरी नॉलेज है मताओं मींस मॉर्निंग। एंड ऑल्सो गाइज, ये बहुत ही ज्यादा लाइट परफ्यूम है, सो इफ यू आर समवन जिसको माइग्रेन है, जिसको साइनस है, या आपको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम फॉर वट एवर रीजन नहीं पसंद है, आपको लाइट परफ्यूम ही पसंद है, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा, आप ये परचेज कर सकते हो। सो आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपके माइग्रेन को या किसी भी आपकी प्रॉब्लम को ट्रिगर नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द फ्रेग्रेंस बट इन माय वे। इसकी फ्रेग्रेंस एकदम इन डेप्थ आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, उसके पहले मुझे छोटी सी चीज इस परफ्यूम के बारे में बोलनी है। मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था जब मैंने एकदम फर्स्ट टाइम से ट्राई किया, जैसा मैंने बताया मेरे पास बहुत टाइम से है, सो जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना, आई डोंट नो फॉर वॉट एवर रीजन, मुझे ना एकदम से इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ फर्स्ट रेन। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, लाइक समर का मौसम रहता है, बहुत ज़्यादा वो हीट एंड ह्यूमिड, एंड वो गर्मी के बाद जब पहली बारिश आती है ना, तो वो कितना सुकून देती है, कितनी अच्छी लगती है ना, आपको एकदम ठंडक सी लगती है, मतलब यू नो वॉट आई मीन। जब वो पहली बारिश होती है तो चाहे आपको मानसून नहीं भी पसंद है ना, तो भी वो पहली बारिश सबको अच्छी लगती है। फॉर वट एवर रीजन दिस परफ्यूम रिमाइंड्स मी ऑफ फर्स्ट रेन, वो पहली बारिश की जो वो खुशी होती है, वो जो सुकून मिलता है ना दिल को, इसकी एक्चुअली फ्रेग्रेंस ना, अगर इसको और एक नेम देना हुआ ना मताओं की जगह, तो आई थिंक इसको नेम देना होगा सुकून, बिकॉज इट स्मेल्स लाइक सुकून। आप उसको अप्लाई करोगे ना, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है, रोज की फ्रेग्रेंस है, बट डोंट वरी, वो गुलाब जल टाइप वाला रोज नहीं है, मिक्स विद अदर नोट्स, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको लगाने के बाद ना बहुत सुकून अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी और समथिंग ना, आप लगाओगे ना आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आपकी एंग्जाइटी को काफी रिलीफ मिलेगा। सो इफ यू आर समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा। सो या मुझे ये शेयर करना था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन क्या था इस परफ्यूम के साथ। मैं जब भी लगाती हूँ मुझे वो फर्स्ट रेन याद आती है, एंड ऑल्सो अभी मानसून चल ही रहा है। इफ यू आर समवन जिसको बारिश बहुत पसंद है, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ इसकी फ्रेग्रेंस। तो जैसा मैंने इसको एसोसिएट किया है बारिश के साथ में, तो एंड ऑल्सो मैंने बताया कि रोज परफ्यूम है, सो समझो कि आप एक रोज गार्डन है, लाइक एक गार्डन है जो रोज का गार्डन है, जो सिर्फ रोजेज है, बट गार्डन है तो दूसरे और चीज भी होगी, ग्रास होगी एंड साथ में दूसरे कोई प्लांट्स होंगे, थोड़ा बहुत तो ग्रीनरी रहती है गार्डन में। तो आप इमेजिन करो कि रात भर बहुत बारिश हुई है, गार्डन में जितने भी लाइक प्लांट्स हैं, जितने भी आपके रोजेज है, ग्रास है और दूसरे प्लांटन, वो सारे के सारे रात भर बारिश में भीगे हैं, और सुबह बारिश बंद हुई है, और आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वॉक पे गए हो या ऐसे आप उस गार्डन में गए हो, तो रात भर फूलों के ऊपर जो बारिश गिरी है एंड उन ग्रासेस के ऊपर जो बारिश गिरी है एंड प्लांट्स के ऊपर जो बारिश गिरी है, रात भर बारिश में भीगने की वजह से दिन में जो वो खुशबू उठेगी ना हवा में, एकदम अर्ली मॉर्निंग में वो हवा में वो ठंडक, बारिश की वजह से ठंडक और हवा में जो वो खुशबू होगी ना रोज की, मिक्स विथ ग्रास की खुशबू, मिक्स विथ दूसरे प्लांट्स की खुशबू, लाइक ग्रीनरी, बेसिकली दूसरा कोई फ्लावर मिक्स नहीं है, रोज मिक्स विथ ग्रास या फ्रेश कट ग्रास की जो खुशबू होती है ना, उसको रोज के साथ मिक्स कर दो, रोज मिक्स विथ ग्रास की फ्रेग्रेंस, मिक्स विथ दूसरे प्लांट्स जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स है, उनकी खुशबू रात भर पानी में भीगने के बाद वो सुबह में जो खुशबू हवा में रहेगी ना, दिस परफ्यूम स्मेल्स एग्जैक्टली लाइक दैट। आप इमेजिन कर सकते हो कोई रोज का गार्डन है तो उसमें वैसे इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस रहेगी, एंड रात भर बारिश की वजह से
उस गार्डन में जो हवा में खुशबू होगी ना, बट बस इस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली वैसी है. मैं आपको बस यही एक्सप्लेन कर सकती हूँ बेस्ट. तो ये बात होगी इसकी फ्रेग्रेंस की, प्राइस, पैकेजिंग. अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन कैसा है. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी माइल्ड परफ्यूम है, तो इसका लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है. इसकी लॉन्जेविटी कितना टाइम तक रहता है, अगर आप अपने कपड़ों पर लगाओगे तो 4 hours तो आराम से रहेगा, उसके बाद ये धीमा हो जाएगा. ऑलरेडी ये माइल्ड है, तो अगर अपने कपड़ों पर लगाओगे ना तो लाइक 2.5 hours तक ये प्रोजेक्ट भी करेगा. अगर आपको चाहिए कि ज़्यादा प्रोजेक्ट करे, ज़्यादा देर तक प्रोजेक्ट करे, तो आपको थोड़ा सा इसको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ अ माइल्ड परफ्यूम. जस्ट थोड़ा सा इसको ओवर स्प्रे कर लो तो ये काफ़ी देर तक आपके कपड़ों पर रहेगा. 4 hours to 5 hours कपड़ों पर ईजिली रहेगा. ओवर स्प्रे के बाद शायद ज़्यादा भी रह सकता है, मैं ज़्यादा ओवर स्प्रे करती नहीं, बट अगर आप ओवर स्प्रे करोगे तो ये ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा और ज़्यादा देर तक प्रोजेक्ट करेगा. लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन इसका डिसेंट है बिकॉज इट्स अ माइल्ड परफ्यूम. या लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, परफ्यूम का रिव्यू, प्राइस, पैकेजिंग, एवरीथिंग सब हो गया. एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहो. अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल. बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.